और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय राय और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जाएगा। सीबीआई ने जुड़े एक अधिकारी के अनुसार सीबीआई की सीएफएसएल की टीम कोलकाता पहुंच गई है साइकोलॉजिकल टेस्ट के आरोपी संजय राय को की जो मनोस्थिति है उसका पता लगाया जाएगा। वहीं सीबीआई ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से कई घंटों तक पूछताछ की है। उन्हें एक और दौर की पूछताछ के लिए फिर से सीबीआई कार्यालय में बुलाया गया है। दरअसल सीबीआई सीएफएसएल और मेडिकल विशेषज्ञ वैज्ञानिक तरीकों जैसे 3D स्कैनर आदि का उपयोग करके साक्ष्य एकत्र करेंगे। सीबीआई घटनाओं के क्रम और व्यक्तियों की संख्या और मकसद आदि को समझने के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार कई गवाहों से पूछताछ जारी है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि जो कलकत्ता में साथ में अगर हम ये कहें कि जो डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई और इसे लेकर पूरे जो डॉक्टर्स हैं देश भर के उनके अंदर आक्रोश नज़र आ रहा है। फिलहाल अगर हम आरोपी की बात करें तो उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाएगा और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत जी, जैसे कि हम जानते हैं कि जो आरोपी है उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाएगा, तो किस तरह कि इस वक्त आपके पास अपडेट है? देखिए रेशमा, दो पहलू में मैं ये पूरे चीजों को आज रविवार के दिन बांटना चाहूंगा। एक तो है कि जो आरोपी जिसको बताया गया कोलकाता पुलिस की तरफ से, सीबीआई ने फिलहाल उन्हीं को आरोपी मानकर उनका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये करना जरूरी समझा, क्योंकि वैसे ही ये एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है और एक प्रोफेशनल कैदी भी है। माने जब भी कुछ भी अगर पुलिस को किसी कैदी को खड़ा करना जरूरत हो जाता था तो इस आदमी को खड़ा किया जाता था, चाहे वो किसी चोरी का हो, चाहे वो किसी डकैती का हो, चाहे किसी चीजों के लिए हो। तो अब सीबीआई को ये समझना जरूरी है कि उसी तरह से इस संजय राय को एक प्रोफेशनल कैदी की तरह हिसाब से एक आरोपी की नाम देकर इनको खड़ा किया है या नहीं किया है और इसके पीछे और कौन कौन लोग है, इसीलिए इस आदमी का साइकोलॉजिकल टेस्ट करना जरूरी है। ये एक बात है, ये इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है जी। लेकिन आज जो कुछ चीजों के ऊपर हमें नजर रखना चाहिए, एक तो है कि आज मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की फुटबॉल मैच के ऊपर रोक लगा दिया है, लगा दिया गया प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि ये ईस्ट बंगाल और मोहन बागान की मैच को पूरे देश में डार्बी मैच के हिसाब से माना जाता है। यहाँ पे करीब 60-70 हजार समर्थक स्टेडियम में होते हैं और इस बार ये जो समर्थक है जो टिकट खरीदे थे करीब 60 हजार के ऊपर, इन लोगों ने आपस में सोशल मीडिया पर ये तय किया था कि स्टेडियम पहुंचने के बाद इन्होंने वी वॉन्ट जस्टिस इस तरह की पोस्टर लेके वो मैच के दौरान अपना विरोध जताएंगे। इतना डर गई है ममता बनर्जी की सरकार कि इन्होंने इस मैच को ही कैंसिल कर दिया, जो मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में कभी नहीं हुआ। किसी सरकार ने अपने खिलाफ प्रदर्शन को रोकने के लिए किसी पॉपुलर फुटबॉल मैच को इस तरह से रोक दिए है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है जी लगातार प्रश्नों के घेरे में है। और अगर कहीं ना कहीं हम ये बात करें कि संजय राय को जो जिस तरह से उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि जब वो आरोपी हैं तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों कराया जा रहा है? ऐसी कौन सी मनोस्थिति उनकी देखी गई, किस तरह के टेस्ट कराए गए? अच्छा, ये बता दें आपको कि जैसे मैंने कह रहा था कि ये नशाड़ू है, मतलब इनका काम ही है सुबह से शाम तक अलग अलग किस्म का नेशा करना और इनको सबको पता है कि जैसे मैं बता रहा था कि मान लीजिए कि आपका जेब काट लिया किसी ने तो आपको किसी आपने FIR दर्ज किया है तो इस संजय राय को जेब कतरे के हिसाब से खड़ा किया जाएगा। आपका किसी बैग चोरी हो गया है तो इसी संजय राय को चोर के हिसाब से खड़ा किया जाएगा। तो ये एक तरह से पुलिस का एक सिखंडी बन गया था, जैसे हम सिखंडी बताते हैं ना, तो ये प्रोफेशनल सिखंडी होता था कोलकाता पुलिस का। तो जाहिर सा बात है कि इस आदमी अपना साइकोलॉजिकल हिसाब से काफी
मतलब चकमा देने वाला साइकोलॉजी इनका बन गया है कि पुलिस का या किसी का भी किसी सवाल का जवाब यहाँ इन आदमी से निकालना काफी मुश्किल है, क्योंकि इस तरह से पुलिस ने इस आदमी को ट्रेन किया है। तो इस घटना में भी पहले ही इस आदमी को आरोपी बना के, और जब भी ये लॉकअप में हुआ करता था तो इसका जो जरूरत की नशा की सामग्री है तो नशा की सामग्री पुलिस की तरफ से सप्लाई किया जाता था। तो इस तरह की एक सो कॉल्ड आरोपी से सच्चाई निकाल के लाना काफी मुश्किल बात है, और ये कौन सी बात सच कह रहा है कौन सी बात झूठ कह रहा है ये समझना भी काफी काफी टेक्निकल बातें है। इसीलिए इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने के लिए एक्सपर्ट बुलाया गया है दिल्ली से। रेशमा, बिल्कुल, अब सीबीआई की जांच के बाद कुछ और पन्ने खुलते हुए नजर आएंगे कि क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।